செய்யலாம் லேப்டாப் தவறி போகலாம் ஈ பட்டே பைட்டாம் ஐ ஹோப் ஆப்கோ இத்தனா கிளியர் ஹுவா ஹோகா இஸ்கோ மே ரேஸ் கர் தேதா ஹூன் ஔர் பாக்கி ஆகே சஹி ஹை நா ठीक है अब तक कुछ सही चल रहा है तो आगे अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा तो आवेश के प्रवाह की दर को ये क्या कहते हैं विद्युत धारा और अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो जो वायुमंडल है उसमें अल्पमान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी और अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस विद्युत धारा का उस धारा का घनत्व भी होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आई बराबर एन ई ए बी डी बारहवीं क्लास में और यहां से मैं अगर आई बाई ए को इधर ले आऊं तो वो होगा एन ई बी यहां वैसे छोटे वाला एन होता है और एन यहां पे होता है इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आई बाई ए होता है धारा घनत्व तो वो होता है एन ई वी डी जहां वी इलेक्ट्रॉन का वेग है तो गाइस वैल्यू रख दो इसकी जगह तो जे बराबर क्या आएगा वो आएगा एन ई स्क्वायर ई और अपॉन में आईटा ओमेगा आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और जहां पर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है वहां पर मैक्सवेल की समीकरणें हैं वो इस चैप्टर के अनुसार नहीं पिछले चैप्टर के अनुसार लगती है और पिछले चैप्टर में एक विद्युत क्षेत्र की समीकरण मैक्सवेल की समीकरण बताई थी एक मैक्सवेल की समीकरण बताई थी एक और वो समीकरण थी कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू मतलब डेल क्रॉस वी बोल दो आप डेल क्रॉस वी लिख माना होगा म्यू जे प्लस में डेल ए कौन में ये समीकरण मेरे लिए वाई तो ये चल जाएगा और मेरा ये भी बताया हुआ था आपको कि डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट और इस डी को बोलते क्या है इस डी को बोलते हैं विस्थापन सदिश एनीवे ये आपको बताया हुआ है अब देखिए कर्ल ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू जे की जगह से और डेल्टी के पॉइंट पे डेल्टी करोगे तो इसका डेल्टा इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और ई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा के पॉइंट पे तो गाइस इतना आपको समझ में आया ये मैक्सवेल की समीकरण होती है कब जब किसी चीज में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र इन सब का रोल अब ये डेल के पर डेल्टा कितना आएगा गाइस एक बार इस समीकरण को और इससे निकाल दो डेल के पर डेल्टा इसको कोई नाम दे दो कुछ भी दे दो इसको समीकरण दे दो तो समीकरण जे से डेल के पर डेल्टा है वो इक्वल आएगा किसके वो इक्वल आएगा ए जीरो तो कांस्टेंट है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और गुना अंदर वाली का एटा और अब जो ये वाला सीन है पूरा ई जीरो ये वाला पूरा सीन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो आइटा ओमेगा तो ये इतना जो है इसको मैं आइटा ओमेगा ई लिख सकता तब कर्ल ऑफ बी इसके इक्वल आया कर्ल ऑफ बी इक्वल आया म्यू जे और प्लस में एप्सिलॉन नॉट आइटा ओमेगा ये इतना पूछा क्लियर है इतना अब उसके बाद में देखिए इसने क्या किया है इसने जो आपका क्या है इसने आइटा ओमेगा ई है वो कॉमन ले लिया है क्या क्या कॉमन लिया है आइटा हाँ इसने पहले जे की वैल्यू रखी है यहाँ से आप भी रख दो डब्बे में बंद है वो डब्बे से जे की वैल्यू रखेगा इससे जे की वैल्यू रखोगे तो कल वो भी है उससे ही बनेगा वो
doing well, I love you. Then he said, I love you. And he's quietly. I hope I could tell you about curl of B is equal to mu is again q. Half is to the part of common element. Epsilon naught for x is equal. देखिए हम लोग क्या मान रहे हैं कि विद्युत चुंबक के अंदर में है वो आयन मंडल के अंदर वो होते हैं आपकी परावर्तित होते हैं ठीक है और जो आपका आयन मंडल होता है उसके अंदर आप लोग एक चीज ध्यान में रखना जो परतें होती हैं वो पोलराइज करती हैं चलो बाद में हम छोड़ो एक बार इतना ही ध्यान दो जो कर्ल ऑफ बी वो इक्वल हो गया इसके आप इसमें कॉमन ले लो म्यू एप्सिलॉन नॉट आइटा ओमेगा बी आप इसमें सब कुछ कॉमन ये इतना पूरा है कॉमन ये ऐसे कॉमन था तो देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी नहीं है तो यहाँ बटे में एप्सिलॉन नॉट आएगा क्योंकि जो चीज नहीं होती और फिर भी फालतू में कॉमन ले जाते हैं फिर वो कॉमन हमारा वो नीचे आ जाता है आयता कॉमन ले लिया यहाँ आयता ऊपर होना चाहिए था ऊपर नहीं है और नीचे है एक आपका तो नीचे एक आयता हो आएगा क्योंकि ऊपर आयता कॉमन ले रहे हैं और वो ऊपर ना तो नीचे आ जाता है नीचे एक आयता पहले से आयता के स्क्वायर माइनस लगा दो माइनस उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ ओमेगा है ऊपर नहीं है तो नीचे आएगा ओमेगा और नीचे एक ओमेगा पहले से ओमेगा की ई है यहाँ पे हाँ भाई हाँ ई और ऊपर जो है वो तो एन ई और यहाँ तो सब कुछ है तो प्लस का तो जो कर्ल ऑफ बी है वो किसके इक्वल आया कर्ल ऑफ बी है वो इक्वल आया म्यू एप्सिलॉन नॉट आयता ओमेगा ई वन माइनस एन स्क्वायर वन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर यही है गाइस एम और था क्या कहीं पे आयता ओमेगा एम इसमें एम ठीक है इतना हो गया तो ये सब कुछ हमने क्या कर लिया इतना हमने कर लिया चलिए आगे देखते हैं किसको आगे करते हैं अब देखिए जो आपका ऑथर है वो ये बोल रहा है मैं इसको लिख सकता हूँ
mu omega iota इस इतने कबाड़ को एप्सिलन और इनटू में और उससे भी वो एक रिलेशन निकालता है अगर वो ऐसा लिखे तब जो एप्सिलन है वो कहीं कहीं निकल के आता है एप्सिलन नॉट वन माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलन नॉट ओमेगा स्क्वायर और एप्सिलन नॉट को इधर ले आओ तो 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एप्सिलन नॉट ओमेगा स्क्वायर तो एप्सिलन अपॉन में एप्सिलन नॉट होता है पैराबोला का एप्सिलन आर तो आपका ऑथर है वो आपको ये समझाना चाहता है कि ये जो आयनमंडल की परत थी इसके अंदर जो खिचड़ी टाइप बन रही थी इलेक्ट्रॉन्स की आयन्स की और इसके अलावा उदासीन परमाणुओं की रियलिटी में वो एक नया माध्यम की तरह बिहेव कर रहा है देखिए जो चुंबकीय तरंग है वो सूरज से आती है तो निर्वात में होकर आती है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का जो ये जार टाइप सा बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन खिचड़ी टाइप बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा जिसमें जिसमें आपके उदासीन परमाणु जिसमें आपके आयंस भरे पड़े हैं तो ये पूरा का पूरा है ये आपका एक नए माध्यम की तरह व्यवहार करता है और इस माध्यम का जो पहला व्यवहार है वो समीकरणों की कोना से इतना होना चाहिए वन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर और गाइस ये बात सही क्योंकि कोई माध्यम में कोई माध्यम है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना ज्यादा है या कम है और यहाँ भी जो ये माध्यम है ये कणों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है कोई माध्यम इसी चीज पे डिपेंड करता है कि वो आवेशित है या अनावेशित है तो इनकी स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है कोई माध्यम है वो निर्वात के साथ उसकी तुलना में डिपेंड करता है बिल्कुल कर रहा है कोई माध्यम इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी बिल्कुल कर रहा है और कोई माध्यम इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसमें जो उपस्थित कण है वो कितने भागे तो उसमें भी करता है तो ये जो मीडियम है ये उन सभी चीजों पे डिपेंड कर रहा है जिन चीजों पे करना चाहिए और इससे इस चीज की पुष्टि होती है कि एप्सिलॉन है उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं और इससे जो एप्सिलॉन आर निकला है ये पूरा बिल्कुल सही है इसमें कोई दो राय ठीक है तो ये आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां से निकल के आती है चलिए गाइस आगे वो करवाता हूँ थोड़ा इसको ये कर रहा हूँ मैं इस पूरे को फिर आगे सीधा वो तो गाली लगे तो उससे फिर जो मैनेजमेंट है वो कमेंट्स को ऑफ कर देता है
you can personally ask me at 7076067. So anyway, ye tha sab kuch to tha. But proper time pe ya sakte ho na. Aage dekhte hain. देखिए उसके बाद में हमें निकालना है विद्युत चुंबकीय तरंगों का और जो ये माध्यम बना है जो माध्यम बना है ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन वगैरह से मिलके क्या इस माध्यम में कुछ वर्तमान होगा देखते हैं। अब वर्तमान हर माध्यम का होता है कांच दीवार का भी एक वर्तमान होता है एक हवा का एक से थोड़ा ज्यादा एक पॉइंट धीरे धीरे हर चीज का वर्तमान और अपवर्तमान होता क्या है जो तरंग आप यूज में ले रहे हो निर्वात में उसका वेग और बटे में माध्यम में उसका उसकी बस तुलना कर दो तो वही अपना तो पूछिए। अब देखिए आपने पढ़ा है कि जो निर्वात में जो वेग होता है यम डब्ल्यू का वो होता है इसको बढ़िया तरीके से लिख लो a बटे अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और भाग में a बटे अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन भाग के आगे वाली संख्या होती है उसको गुना बनाते हैं तो वो उल्ट जाती है तो म्यू है वो आएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बटे में म्यू नॉट एप्सिलॉन। अब अगर आगे बात करें तो म्यू को आप लोग लिख सकते हो म्यू जीरो म्यू आर और एप्सिलॉन को लिख सकते हो एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर और बटे में म्यू जीरो क्या तो उस केस में जो आपका म्यू निकल के आता है वो कितना आता है ओके तो आपका जो म्यू निकल के आता है वो आता है यहाँ ये म्यू था ये तो वो था जो मुझे माध्यम में था और यहाँ वर्तमान था ये कहीं आप सोचो ये दो दो तो म्यू कैंसिल ये एन मान लो ठीक है आप वर्तमान तो अब वर्तमान का आपका क्या निकल के आया वो आया अंडर रूट म्यू आर चलना लेकिन देखिए अगर कोई माध्यम ऐसा है जिसके अंदर चुंबक तो नहीं मतलब जिसके अंदर ज्यादा चुंबक तो नहीं है कोई चुंबकीय माध्यम नहीं है लोहा वगैरह नहीं है और कॉपर वगैरह नहीं है कोई वो अनुचुंबक कोई पर लो चुंबकीय वाला सिस्टम नहीं है अनुचुंबकीय के लिए भी म्यू आर है वो एक के बराबर ही होता है तो एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है जीरो 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 सात छः पाँच इतना होता है हवा के लिए तो एनीवे आप ये मान सकते हो कि अगर कोई लोहा क्योंकि लोहे के लिए म्यू आर होता है तो ठीक है और निकल के लिए म्यू आर होता है तो गाइस अगर ऐसा मीडियम नहीं है लोहे जैसा कोई हवाई हवाई है या निर्वात जैसा मीडियम है तो उसके लिए म्यू आर लगभग बराबर होता है इसके तो फिर आप वर्तमान होता है इसके बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर तो हमने निकाल रखा है तो यहां से पता चलता है कि जो अपवर्तनांक आएगा माध्यम का वो बस इसका अंडर रूट आता है माध्यम का अपवर्तनांक एन वो बराबर आएगा अंडर रूट वन माइनस एनी स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा ये आपके माध्यम के अपवर्तनांक है फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूला से क्लियर क्या होता है इस फॉर्मूला से ये क्लियर होता है कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे हम लोग धरती से नीचे की तरफ आते हैं धरती की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा कम होता है तो जैसे जैसे आप सॉरी इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा गैस का घनत्व जरूर बढ़ेगा लेकिन नीचे तो पहुंच ही नहीं सकती तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और अगर पहुंचती भी है तो उनके आयनिक
यहां कोई तीव्रता नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन जाना, तो जैसे जैसे धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन देखिए ये क्वांटिटी वन माइनस है, तो जो फाइनल क्वांटिटी है वो घनत्व बढ़ने पर क्या होगी, घटेगी। क्या तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरी क्वांटिटी है ये घटेगी, और जैसे जैसे ये क्वांटिटी घटेगी वैसे वैसे माध्यम का आवर्तनांक है वो घटेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तनांक है वो घटता जाता है, और अपवर्तनांक घटता जाता है यानी माध्यम क्या बनता जाता है, विरल बनता जाता है, और नीचे माध्यम क्या होता है, सघन होता है। और इसलिए दुनिया में एक ऐसी कंडीशन बनती है जो तरंगों का क्या करवा देती है, कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो दो ही शर्तें हैं, एक तो तरंग है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और एक आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चलो थोड़ा सा बताऊं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ये कोई पानी है, इस पानी के अंदर आप यहां पर टॉर्च लगाओ, इस टॉर्च से जो लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी, जाएगी तो ऐसे चाहिए लेकिन विरल माध्यम होने के चक्कर में इस अंधेरे से दूर हटेगी वैसे। इस टॉर्च को थोड़ा और ऊपर कर दो, यहां कर दो, अब की बार तरंग ऐसे जाएगी, जाएगी तो ऐसे चाहिए लेकिन इस अभिलंब से दूर हटने के चक्कर में वापस ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और कोई तरंग का यहां से ही जाना और यहां भी वापस आ जाना क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कुछ ये होता है। थोड़ा और बता दूंगा मैं डिटेल में, एक बार इतना ध्यान रखो कि ये अपवर्तनांक आई होप गाइस इतना क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक बार इसको इरेज कर दूं, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलो आपको एक चीज बताऊं, वैसे थोड़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताता हूं, जिसको एकदम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सारा कुछ क्लियर हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है गाइस कि कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई बीकर है उसके अंदर आपने पानी डाला है, ठीक है, और इस पानी के अंदर आपने यहाँ पे टॉर्च लगाया, अब ये टॉर्च है ही यहां से, इससे प्रकाश की किरण जाएगी, ये प्रकाश की किरण है सीधी जानी चाहिए, लेकिन जब कोई किरण है वो विरल माध्यम में जाती है सघन से तो अभिलंब से दूर रहती है। अब ये अभिलंब है, अगर ये किरण ऐसे हो गई कि दूसरी अभिलंब की तरफ आ गई तो दूर हटेगी तो इधर जाएगी ना, ठीक है। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण थीटा आई, और इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण थीटा। अब आप टॉर्च को थोड़ा ऊपर कर दो, ये अभिलंब है, ये किरण ऐसे जाएगी, ये किरण है ये ऐसे जाएगी,
जानी तो ये बिल्कुल ऐसे सही है, लेकिन अभिलंब के दूर रहने के चक्कर में ऐसे हो जाए। अब ये थी, आपने जब इस तार को ऊपर किया है तो आपने थीटा आई को बढ़ाया पहले से, अब टॉर्च को थोड़ा और ऊपर कर दो या थीटा आई को थोड़ा और कर दो, तो अब की बार अगर टॉर्च को थोड़ा सा और ऊपर कर दो यहां कर दिया तो इस कंडीशन में इससे रे ऐसे चलेगी, जानी तो बिल्कुल सीधी चलेगी लेकिन दूर हटने के चक्कर में बिल्कुल क्या हो सकती है, इसके समांतर हो जाती है। ये एंगल है, इसको कहते हैं आपतन कोण, और ये जो 90 डिग्री अब की बार एंगल हो गया इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अच्छा एक चीज और, आपतन कोण का है मान थीटा जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उस आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक आपतन कोण। ये डाउट क्लियर कर लेना अगर किसी को, दोबारा बोलता हूं, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 हो जाए तो उस आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक आपतन। क्लियर है इतना? अब देखते हैं गाइस आगे। तो ऐसा ही होता है, देखो हमारी जो बनती है इसके ऊपर ये मीडियम है, ये पत्थर है, अब नीचे विरल और सघन है और ऊपर हमें कोमलता से लेकर पत्ते कैसी होती है, तो जब हम सघन माध्यम से गिरने हैं वो विरल माध्यम पर भेजते हैं, तो कई बार जो थीटा आई है उसका मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो सकता है इससे। और देखिए अगर थीटा आई कोण बहुत ज्यादा हो थोड़ा सा एस एकदम टॉर्च को एकदम यहाँ पे और ऊपर लेता इतना ऊपर चलनी है क्या लेना हेलो, तो अब की बार इससे जो किरण चले वो जानी को ऐसे चले लेकिन वो वापस अभिलंब से दूर रहने के चक्कर में वापस आ सकती, इसी माध्यम में वापस आ सकती है जब आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक आपतन कोण से ज्यादा, ठीक है, और उस कंडीशन में अपवर्तन कोण भी नब्बे से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो एनीवे हम किरणें हैं वो आपतन क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर भेजते हैं कई बार ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्यादा कोण पर भेजते हैं थीटा भी, तो किरणें हैं वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है और पृथ्वी की वक्रता होते हुए भी एक जगह से क्योंकि आयन मंडल इन तीनों का क्या करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा इतना सब कुछ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो कैसे यूजफुल है तरंगों को भेजने में, और मार्कोनी की जो तरंगे हैं वो अंटार्कटिक ओशन से दूसरी तरफ डेनमार्क ब्रिटेन इधर कैसे चली गई, वो इसी कारण चली गई क्योंकि उसने करवाया था आयन मंडल का उपयोग लेके किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, तो किरणें हैं वो धरती की एक जगह से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर दूसरी जगह पहुंच गई जैसे मेरे डायग्राम में पहुंच रही है ऊपरी उपवाल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, चलो आगे करते हैं। अब मैंने फॉर्मूला क्या किया था आपको,
follower you are covered mantra under root 1 minus n square upon omega square over f square and x. अब जो omega होता है वो होता है 2 pi a over t या फिर omega होता है 2 pi nu और या फिर 2 pi f भी लिख सकते हो क्योंकि frequency है उसको तीन चीजों से लिखते हैं nu से लिखते हैं f से लिखते हैं और n से लिखते हैं nu से तो इसलिए लेते हैं कि ग्रीक के जो लोग हैं वो frequency को उस nu से शुरू होने वाले letter में बोलते हैं ठीक है f से इसलिए लिखते हैं क्योंकि f से हो गया frequency और देखिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा frequency को कई बार ऐसे ही बोलते हैं प्रति सेकंड चक्रों की संख्या आवर्ती है तो नंबर ऑफ टर्न्स है उसलिए उसको एफ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को तीनों चीजों से बाय द वे हां आप लिखो 2 पाई इसकी वैल्यू रखो इसकी वैल्यू रखोगे इसकी वैल्यू अगर रखोगे तो उस केस में एन आएगा अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर ओमेगा की जगह वैल्यू रखती 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये आगे मैंने क्या लिख दिया ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा की जगह लिख दिया 4 पाई एक्स स्क्वायर अब इसमें जिन जिन चीजों की वैल्यू रख सकते हो उनकी तो रख दो 1 माइनस इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस 10 टू पावर माइनस 9 पूरा माइनस 1 और 4 पाई होता है माइनस 10 का स्क्वायर विद्युत चुंबकीय तरंगें तो आवर्ती को पता है तो सूरज से 0 से लेकर अनंत तक की सारी फ्रीक्वेंसी जाती है 0 से लेकर लिमिट तक की सारी फ्रीक्वेंसी जाती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपको पता है 9.8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता है 8.5 तो गाइस ये सब कुछ आपको पता है और ये वीडियोस तो हो गया ही अब उसके बाद देखिए इससे n की वैल्यू क्या है इससे ये बंदा निकाल रहा है n की वैल्यू ये बोल रहा है कि इससे n की वैल्यू आएगी 1 माइनस 81 चाहे एक दिक्कत और है अब वर्तमान में यहाँ भी तो वर्तमान को n से नहीं मिल सकते तो पढ़ना के लिए दो क्या लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर से ले सकते हैं ठीक है वैसे आपको पता होगा ये है इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तो बार बार कभी क्या हो जाता है कभी क्या तो